विजन एम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइन अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। कौन बनेगा मेयर शो में आज हम आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 19 में और वार्ड नंबर 19 के जो पार्षद हैं भवानी सिंह वो हमारे साथ इस वक्त कौन बनेगा मेयर शो के ई रिक्शे पर सवार हैं। इनके साथ इनके वार्ड में चलेंगे, वार्ड में घूमेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या विकास के काम इनके वार्ड में 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। इसके साथ ही जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि वार्ड में जो समस्याएं 4.5 साल पहले थी क्या वाकई उनका निस्तारण हो पाया या नहीं हो पाया। वार्ड के कई लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा। तो भवानी सिंह के साथ शुरुआत करते हैं इनके वार्ड में घूमने की, जानने की कि वार्ड में वाकई विकास के काम क्या क्या करा पाए। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इससे पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो तमाम पार्षद थे उन्होंने अजमेर दक्षिण की विधायिका अनीता बधेल के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वार्ड में जहां जहां से कांग्रेस के पार्षद हैं वहां पर विधायक फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत गंभीर आरोप लगे। तो जब विधायक महोदय से मिलेंगे तब हो सकता है कि इस बारे में सवाल भी करें, लेकिन आज भवानी सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए आप कि आपका जो वार्ड का एरिया है उसके अंदर कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सा क्षेत्र उसमें आता है। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9992947733। मेरे वार्ड के क्षेत्र में एक तो रामगंज से शुरू होता है, रामगंज पत्थर वाली गली, मूलचंद हवाई वाली गली और रेलवे का पूरा एरिया आता है। ये रेलवे अपना गवर्नमेंट कॉलेज तक आता है रेलवे का एरिया। उसके बाद आशागंज कॉलोनी, धानका बस्ती, राधास्वामी कॉलोनी, सासी बस्ती, UIT कॉलोनी, भगवानगंज, लामाना बस्ती और रामबाग कॉलोनी, ये मेरे वार्ड के एरिया है टोटल। ये आपके वार्ड के एरिया है। अच्छा ये बताइए कि वार्ड नंबर आपके वार्ड के अंदर आपने 4.5 साल पहले किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था जिसके आधार पर जनता ने आपको जिताया? वार्ड में क्या है कि कई प्रकार की समस्या ऐसी है जो लगभग 40-45 साल तक स्थिर रही, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। और चूंकि मैं इस वार्ड का निवासी हूं इसलिए उन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पहले मैंने उन समस्याओं का समाधान करा। जैसे कि उदाहरण के रूप में UIT कॉलोनी भगवानगंज है, वहां पर एक गली थी, उस गली में करीबन 100 फीट की गली थी, उसमें कम से कम नीनी करके भी 40 मकानों के कनेक्शन, सीवरेज के कनेक्शन डायरेक्ट ही पाइप आ रहे थे उनकी गली में। इसकी वजह से क्या है कि वो खुले नाले में लेटरिंग और घरों की गंदगी आती थी, जिसके कारण पूरे इलाके के अंदर बदबू रहती थी। मैंने उसको प्रायोरिटी से लिया क्योंकि उस इलाके में थी दुर्गंध रहती थी, मैंने उसको प्रायोरिटी से लिया। एक कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होने के कारण मैंने उस कार्य को किया और आज वहाँ पर सभी लोगों ने वहाँ पर उस गली में सीवरेज कनेक्शन ले लिया। अब सीवरेज कनेक्शन लेने के बाद अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और उस क्षेत्र में दुर्गंध खत्म हो गई है। लोगों के घर में जिस प्रकार से बदबू आती थी वो बदबू भी खत्म हो गई। अब देखिए मैं आपको एक कैमरामैन को बोलना चाहता हूँ, अनीता बधेल को जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, अब ये देखिए आप, ये 75 लाख रुपए की लागत से ये जो रोड बना है, अब पहले यहाँ पर लोग आने से डरते थे लेकिन अब देखिए इस रोड की स्थिति क्या है। मैं वापस एक शब्द दोहराना चाहता हूँ कि काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए, हर काम आसान होते हैं। अब इस एरिए में इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया है अनीता बधेल जी ने, जिसके कारण अभी यहाँ के लोगों को भी सुविधा का लाभ मिल रहा है। दूसरा ये है कि जस्ट आगे जाके मैं बताऊँगा आपको, एक बाईपास निकाला है अजय नगर के लिए बाईपास निकाला है। अब वो अजय नगर से यहाँ से बिल्कुल बाईपास निकाल के 80 लाख रुपए की लागत में एक रोड बनाया है। उसकी भी मैं कैमरामैन को मैं बोलना चाहता हूँ, आप तो सीधे लेना कि यहाँ पर देखिए कैमरा घुमाएं, यहाँ पर सीधे लो भाई, आप सीधे ले लीजिए, बिल्कुल सीधे। ये देखिए ये रोड सीधा, और आप वार्ड की भी नियमित रूप से इधर ले लो, इधर मोड़ लो भैया, वार्ड की भी देखो नियमित रूप से सफाई भी रेगुलर होती है वार्ड में, एक भी आपको पत्ता नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पर सफाई होती है। अभी मैं आगे आपको ले आऊँगा इसी एरिया के अंदर, स्टॉप कर लो, ये क्षेत्र के वासी इनसे भी बात कर लो, क्षेत्र के एक बाशिंदे हैं जो हमको यहाँ पर मिल रहे हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं इनसे थोड़ा सा, क्योंकि
चमचमाती हुई सड़क दिखाई दे रही है, तो चमचमाती हुई सड़क का कुछ तो राज होगा, उससे पहले की क्या स्थिति रही होगी इनसे पूछ लेते हैं। जानते हैं इनको? हाँ, ये हमारे पार्षद जी हैं। जिनका कार्यकाल कैसा है 4.5 साल का? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विकास जो हुआ है ना इस एरिया में, एक इन्हीं जनाब के बदौलत है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया इन भाई साहब का। इससे पहले स्थिति कैसी थी? अरे जनाब, इससे पहले स्थिति ये थी कि यहाँ पर हमारे लिए चलना दुभर था। यहाँ पर चारों तरफ मिट्टी ऐसी रहती थी और यहाँ पर आदमी जो रोड पे जो बंदा आता था ना, वो यहाँ पर गिरता था। रात को हम यहाँ पर इस जगह पर ये बना हुआ नहीं था, ये भी इन्हीं जनाब ने आके ये सारा बनवाया। ये आदमी जब ये निकला ना, ये आज स्मूथली निकल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर आदमी गिरते थे। तो ये विकास का काम इन्होंने करवा दिया है? ये विकास का काम इन्होंने कराया। ये तो पूरी सड़क आज हम अजय नगर पे अगर कनेक्ट हो सकते हैं हमारे यहीं से ही, तो आराम से इस रोड पे कनेक्ट हो सकते हैं। नहीं तो पहले हमको मेन रोड जाना पड़ता था, फिर वहाँ से कनेक्ट होना पड़ता था। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके इलाके के जस्ट सटा हुआ इलाका है, सांसी बस्ती का इलाका है, क्राइम बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है, ऐसे में आपको नहीं लगता CCTV की व्यवस्था आपके वार्ड में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक यहीं पर ही देखिए, यहाँ पर ही ये जहाँ पर ये भाई साहब जो वो के ले रहे हैं ना, यहाँ पे तो बहुत सख्त जरूरत है और हर चौराहे पर जरूरत है। हर चौराहे पर CCTV होनी चाहिए। ये तो हमारा आग्रह है प्रशासन से, अगर ये हो तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हम सुखी हो जाएंगे। मतलब एक ये सी चीज़ की कमी, गार्डन की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? बहुत बहुत कमी महसूस करते हैं हम। सुबह वॉक पे निकलते हैं, यहाँ पर लेडीज़ भी हैं और इलाका भी ऐसा है, अगर हम सुबह 5 बजे या 6 बजे निकलते हैं तो हमें इतना डर रहता है कि हो सकता है कोई चैन स्नैचिंग या ऐसी कोई दुर्घटना हुई नहीं है, हो सकती है संभावना, एक डर लगा रहता है। अगर एक कम्युनिटी की गार्डन हो हमारे इधर तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैं समझता हूँ अगर यहाँ गार्डन हो जाए ना तो अजमेर का सबसे बेहतरीन एरिया हो जाएगा, सबसे बेहतरीन, शांति प्रिय। किसी जमाने में यहाँ चोरियाँ बहुत होती थी, अब नहीं होती है, अब नहीं होती। अब यहाँ मेरी नज़र में मेरे घर का लोकेशन सबसे बेस्ट है। चलिए, वार्डवासी हैं, अपनी अपनी राय है, बता रहे हैं कि क्या ज़रूरत वाकई वार्ड के अंदर है। इसके साथ साथ और विकास के कामों की यदि हम बात करें तो और कौन से विकास के काम है जो आपके वार्ड के अंदर अभी हुए हैं और कितनी लागत से हुए हैं? वो विधायक फंड से लिए हैं आपने या अपने उससे ही लिए हैं, ये बताने अभी। ये मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477333। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. जो आपका वाहन है ऊपर चढ़ाई में चढ़नी पता है, इसलिए मैं आपको बरवली बता देता हूँ। अपने UIT कॉलोनी हरिजन बस्ती है, वहाँ पर मैंने मेरे जनरल वर्क से मेरे हिसाब से आग्रह करके वहाँ पे लगभग 30 लाख रुपए की CC रोड और नाली का विकास कार्य कराया और मेरे फंड से भी वहाँ पे 5 लाख रुपए की नालियों का विकास कार्य करवाया। इसके अलावा एक 20 लाख रुपए की लागत से मैंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक सार्वजनिक शौचालय भी बनवाया है सांसी बस्ती के अंदर, और सांसी बस्ती में मैंने 7 लाख रुपए की लागत से जो नालियाँ जो बरसों से नहीं बनी थी, उनका पानी क्या रोड पर फैलता था, वो नालियों का भी काम कराया। अच्छा, मेरी पीड़ा ये है दिल में कि ये जो क्षेत्र है सांसी बस्ती, यहाँ पर क्या बरसों से विकास कार्य नहीं हुआ है। अब लगभग 45 लाख रुपए की लागत से तो मैं यहाँ पर विकास कार्य करा चुका हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर अभी विकास कार्य की और आवश्यकता है। अब जो भी नेक्स्ट जो भी फंड आएगा, उस फंड को हम ये चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी मानसिकता है कि उस फंड को मैं सांसी बस्ती के अंदर विकास कार्य रोड और नाली के लिए वहाँ पर फंड को मैं लगा दूँ। अच्छा, पट्टे की कोई समस्या आपके वार्ड के अंदर, पट्टों को लेकर कोई समस्या है क्या, उनके निस्तारण को लेकर कोई काम? पट्टों के लिए मैंने श्रीमती वसुंधरा राजे जी की जनसंवाद में पट्टों का मुद्दा रखा था। उसमें जो अब मेरे वार्ड के अंदर सांसी बस्ती, धानका बस्ती, आशागंज कॉलोनी, ये 5 लामाना बस्ती, ये 5 कच्ची बस्तियाँ आती हैं, इन 5 कच्ची बस्तियों के लिए पट्टे के लिए आग्रह किया, लेकिन सरकार जब पहले CO साहब हिमांशु जी थे, उन्होंने एक पत्र लिखा, क्योंकि खसरा परिवर्तन जो कि तरमीम बोला जाता है उसको, वो खसरा परिवर्तन होने के बाद ही
इस प्रकार से इनको पट्टे दिए जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है कि आवासीय इलाका हो चुका है लेकिन इन्हें अभी भी पुराने खसरे में ये रेलवे की ज़मीन और कब्रिस्तान और ये बोल रहे हैं। जब तक इनकी जमीन की तरमीम नहीं हो पाएगी तब तक ये इनको पट्टे नहीं मिल पाएंगे। मेरी तरफ से मैंने बहुत प्रयास किया था और आगे भी करता रहूँगा, और लेटर का मार्गदर्शन आना बाकी है, उस लेटर का मार्गदर्शन आएगा उसके बाद ही पट्टे मिल पाएंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए मैं बोल रहा था कि देखिए इस क्षेत्र में जो आने के लिए डर रहा था, लेकिन देखिए आप 3 करोड़ की लागत में मैडम ने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाया, मैडम ने इस एरिया के लिए बहुत बड़ी सौगात है और मतलब पब्लिक भी इतनी खुश है। यहाँ पर कम से कम 800-900 महिलाएँ लड़कियाँ यहाँ पढ़ने आती है, यहाँ की पाटगंज के क्षेत्र के, इसलिए बहुत अच्छा कार्य है। तो ये स्कूल जब आपने यहाँ पे खोल दिया तो राजेंद्र स्कूल की तो दशा बिगड़ गई होगी, वहाँ के बच्चे तो यहाँ आ गए होंगे। अच्छा, एक वार्ड के वासी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। बाबू जी जानते हैं इनको जो रिक्शे पे बैठे हमारे? हमारे पार्षद हैं भवानी सिंह जी। अच्छा, कैसा है इनका कार्यकाल 4.5 साल का? इनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें समस्या ये है, कॉलोनी में समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा दारू बिकता है। अच्छा, अवैध दारू बिल्कुल नहीं, इस पे कंट्रोल नहीं हो पाया, इस पे कंट्रोल नहीं हो पाया। तो आप लोगों को तो रहने में यहाँ दिक्कत होती होगी, क्राइम बढ़ता होगा यहाँ पे। लेकिन क्या करें, यहाँ बोले कैमरा लगेंगे, कैमरे लगे नहीं की जरूरत है यहाँ पे, क्या पी के बैठे रहते हैं। अच्छा, हाँ शाम को या सुबह के टाइम भी समझो 6-7 बजे गाली गलौज चलते रहते, और इधर चलता रहता है सब, यहाँ से लेके नीचे नाले तक दारू बिकती। ये एक बहुत बड़ी समस्या आपके वार्ड के अंदर है। ये तो है, इसके अलावा इधर जो राधा स्वामी ना, इसके पीछे तो पूरा ये पूरी बस्ती है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके वार्ड के अंदर तो राधा स्वामी सत्संग की जगह है, सत्संग होता है सुबह सुबह मेरे हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद शराब के और बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? क्या उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन सरकार सहयोग नहीं करती? वो तो कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर चुके, अब जिसको कह के थक गए तो हमने उन्होंने भी छोड़ दिया। ये एक बड़ी समस्या आपके वार्ड में। अच्छा, ये तो इसका इतना विकास हुआ है, अच्छा जैसे अभी इतना बड़ा रोड इस जो है ना इस क्षेत्र में नहीं है। अच्छा। और इतना बड़ा स्कूल भी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी मतलब सड़क और सफाई की व्यवस्था तो सही है। बाकी वो जो अवैध जो कार्य है ना वो रुकने चाहिए, करे ना तो ये कॉलोनी इस क्षेत्र की बहुत बढ़िया कॉलोनी बने। अच्छा, एक बात और बताइए, जब इतनी अच्छी बात आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपको नहीं लगता कि आपके वार्ड के अंदर एक बेहतरीन गार्डन की भी ज़रूरत है? हाँ, गार्डन की तो सब जगह ज़रूरत है, वो तो सोने के सुहागा हो जाए। चलिए, वो कोशिश करी हुई हॉस्पिटल भी हो जाए लेकिन वो संभव नहीं। क्लिनिक भी, क्लिनिक और प्राथमिक स्वास्थ्य क्लिनिक, और दूसरा है सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कि आने जाने का साधन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, यहाँ से ऊपर जब जाएंगे ना तो उनको यहाँ से देखो आपते जाएंगे, बूढ़े हैं ना उनके लिए साधन नहीं है। उनके लिए हमने कोशिश, बीजेपी के टाइम में अनीता बदेल ने कोशिश करी थी, और ये DTO की भी वाली वो भी मेरे साथ चले थे ये सर्वे के लिए, तो उन्होंने बोला जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगी तो मैं ये चालू कर दूंगा बस या टेम्पो, लेकिन उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ तक आ, उनकी सरकार नहीं आई, बीजेपी की सरकार उल्टी आई, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। जरूरी है। चलिए, लोगों की कई बातें हैं, रख रहे हैं लोग अपने अपने हिसाब से, कह रहे हैं कि यहाँ पर गार्डन भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक क्लिनिक की भी दरकिनार लोग कह रहे हैं कि उनको है, और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि यहाँ की जो सड़क सफाई की जो व्यवस्था है वो बेहतरीन हुई है इनके कार्यकाल में। जब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके वार्ड के अंदर अवैध शराब का बड़ा धंधा है, इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? देखिए, पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाली देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर। ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। पहले यहाँ पर इस इलाके में जहाँ आप खड़े ना वहाँ पर कच्ची शराब बनती थी, जिसके कारण कच्ची शराब बनने के कारण वहाँ पर क्या है कि इस इलाके में पूरे बदबू रहती थी।
अब मैं मान के चलता हूँ कि जो 100% अगर इस प्रकार का कारोबार रहा होगा उसमें नकेल लगी है, और अब करीबन 10% लोग जो आदतन हैं, अब आदतन अपराधी तो सब पूरे देश में होते हैं, उनको कोई नहीं सुधार सकता है, और इन लोगों का ये सांसी बस्ती इस प्रकार से बदनाम हो चुकी थी, इसके कारण इन लोगों को कोई काम धंधे पे भी नहीं रखता है, इस कारण 10% लोग अभी भी छोटा मोटा करते हैं, लेकिन कच्ची शराब तो बिल्कुल बंद हो गई है। कच्ची शराब बिल्कुल बंद हो गई है। एक दो बड़ी समस्या भी नज़र आई, एक वार्ड में गार्डन नहीं, दूसरा सीसीटीवी कैमरे की दरकरार है, और एक ट्रांसपोर्टेशन लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, गार्डन भी यहाँ पर होना चाहिए, इन कामों के ऊपर क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा वार्ड क्षेत्र पूरा आधा रेलवे का एरिया है, और रेलवे के एरिए के अंदर दो गार्डन है, उस गार्डन का डेवलपमेंट के लिए मैंने समय समय पे जब तत्कालीन DRM थे पुनीत चावला जी, उनको लिख के दिया, लेकिन उसके उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया करते हुए जो वहाँ पर गार्डन एरिया है, मैं आपको बताऊँगा, रेलवे के एरिए में दो गार्डन एरिया का डेवलपमेंट किया, और मजबूरी ये है कि एरिए में कोई ऐसी ज़मीन ही नहीं गार्डन लाइक, नहीं तो गार्डन के लिए अपन बोल सकते थे। एक 17 नंबर वार्ड में है एक जगह सामुदायिक भवन, वो भी अब मेरे वार्ड में नहीं है, लेकिन वो सामुदायिक भवन की ज़मीन खाली पड़ी है, लेकिन गार्डन में तब्दील नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जिसमें गार्डन का रूप ले रहे वो ज़मीन। चलिए अब कुछ राजनीतिक बात कर लेते हैं। मेयर धर्मेंद्र गहलोत के ऊपर सदन के अंदर एक बहुत गंभीर आरोप लगा कि लिफाफा बांटते हैं, तो ये लिफाफा जो प्रकरण है ये बड़ी चर्चा है शहर की जबान पर, लोग आम जनता उस पर बात कर रही है, ये लिफाफे की बात वाकई सच है? कोई पार्षदों को लिफाफा मिलता है क्या? नहीं, जिस प्रकार से किसी पार्षद ने आरोप लगाया तो सबसे बड़ा सबूत का भार तो उसी पार्षद के ऊपर है कि वो सिद्ध करे। अब हमने तो इस प्रकार से कभी कोई लिफाफा नहीं लिया, लेकिन वो अगर कहता है तो वो खुद सिद्ध करे इस चीज़ को, सबूत का जो राइट है उसके ऊपर ही वो सिद्ध करे इस चीज़ को। आप ही के पार्टी के पार्षद हैं, उन्होंने बाहर आके कहा कि हाँ वो मैंने भी लिया था, वो उनकी व्यक्तिगत रंजिश भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है शहर में किस प्रकार से अभी दो पार्षदों के बीच में व्यक्तिगत खींचातानी चल रही है, हो सकता है उसका उस ग्राउंड से आरोप प्रत्यारोप का चलन चला हो। अच्छा, आपसी लड़ाई हो सकती है और उसमें कहीं ना कहीं मेयर के ऊपर एक आरोप आया है। धर्मेंद्र अनिता भदेल और वासुदेव देवनानी दोनों विधायकों में से बेहतरीन विधायक आपको कौन लगते हैं? देखिए, हमारी विधायिका अनिता भदेल जी हर व्यक्ति की समस्या सुनती है और उसका निराकरण करती है। जो व्यक्ति उसके पास ऑफिस में जाता है वो तुरंत उनकी बात सुनती है शालीनता से, और तुरंत एक्शन करने का एक उनमें इच्छा शक्ति है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उन्हीं से मैंने सीखा है। अब आप ये मान के चलोगे इस पूरे एरिया के अंदर किसी भी पार्षद ने कोई ऑफिस नहीं खोला हुआ है। मैंने जब से पार्षद बनाऊँ पब्लिक को सुबह और शाम मैं एक एक घंटा 1.5 घंटा समय देता हूँ, पब्लिक की सुनवाई करता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ, समस्या सुनता हूँ, मुझसे जितना भी हो सकता है उसका समाधान करता हूँ। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है कि इस पब्लिक डीलिंग से लोग डरते हैं कुल मिला के, क्यों हम अब मैं पेशे से वकील भी हूँ और मुझे पब्लिक डीलिंग करना अच्छा लगता है, लोगों की समस्या सुनना अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है, लोगों की समस्या सुनता हूँ, उनका इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ये मेरा ऑफिस खुला था तो एक लेडीज आई, उन्होंने लगा कि हमारा सीवरेज का ढक्कन नहीं है, तो मैंने हाथों हाथ फोन किया, कल लग जाएगा। अच्छा लगता है, आनंद आता है कि अगर कोई अपन को समस्या बताता है और अपन उसका इम्प्लीमेंट तुरंत करते हैं उसके आंखों के सामने, तो एक अंदर से आत्मीयता से अच्छी खुशी होती है। अच्छा, अब कुछ समय ही आपका बचा है, कौन कौन से काम बाकी रह गए हैं, और बोर्ड तो आपका है लेकिन सरकार कांग्रेस की आ गई है, काम हो पाएंगे? Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। समस्या तो है और रहेगी समस्या तो मेरे को एक सबसे बड़ा तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सांसी बस्ती का जो एरिया है, शुरू से ही मेरा ये, जब मैं वहाँ वोट मांगने गया था तो शुरू से मुझे वहाँ ऐसा लगा था कि यार यहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गंदगी के अंदर खेलते हैं, इनका क्या कसूर है ना? तो मैंने उस चीज़ को बहुत तन्मयता से और मतलब गंभीरता से लेते हुए उस चीज़ को मैंने किया। लेकिन क्या है कि वहाँ पर विकास कार्य में एक समस्या आ रही है, वहाँ ये आ रही के लोगों ने क्या है कि अतिक्रमण ज़्यादा कर रखे हैं,
पुराने टाइम से जब मैं पार्षद नहीं था। अब वो रोड बनाने के अंदर क्या है कि उनको परेशानी आ रही कि अधिकारी जब उसका पटवारी रिपोर्ट करता है तो जहाँ पर रास्ता आता है वहाँ लोगों ने मकान बना लिए। अब किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि लोगों का नुकसान भी नहीं हो, क्योंकि 4.5 साल की अवधि के अंदर मैंने क्या लोगों का नुकसान नहीं करा किसी को, क्योंकि यहाँ पर कच्ची बस्ती के हैं लोग और मैंने किसी को परेशान नहीं करा, हेरेसमेंट नहीं करा किसी प्रकार से, लोगों की समस्या सुनी उसका समाधान किया। प्रकार से कोई हेरेसमेंट जैसी चीज़ नहीं हुई है, ये आप कह रहे हैं किसी प्रकार का? कई पार्षदों के ऊपर एक आरोप लगते हैं ना, कोई मकान बनता है पैसे लेने पहुंच जाते हैं, ऐसी शिकायतें आपके ओर? बहुत गलत बात है ये तो हकीकत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी मकान बनाएगा तो बजरी और पत्थर उसके घर में डलाएगा क्या, बाहर ही डलाएगा, ये तो गलत वाली बात है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई लोग इस प्रकार से करते हैं कोई तो उसका लुकआउट है, लेकिन हम तो कोऑपरेट करते हैं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन्स के लिए कॉल करें 9929477733। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer.